मध्य प्रदेश में जहां 1 जून से लॉकडाउन खुल गया है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला में बिना मास्क के लोग सामान बेच रहे थे। वहीं दूसरी ओर खरीदार भी बिना मास्क के सामानों की खरीदी कर रहे थे। जब इन लोगों पर मोरवा पुलिस की नज़र पड़ी तो लोग भागते दिखे, लेकिन बिना मास्क पहने लोगों के लिए मोरवा पुलिस ने अनोखी सजा दी है। मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि शहर में 1 जून से लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन हमें जागरूक रहना है। मास्क का उपयोग जरूर करना है, लेकिन सैनिटाइजर भी समय समय पर लगाना है। लेकिन मोरवा थाना अंतर्गत बाजारों में इन दिनों लोग बिना मास्क के सामान बेच रहे हैं, तो वहीं ग्राहक भी बिना मास्क के सामान खरीद रहे हैं। हमने कुल ऐसे 34 लोगों को पकड़ा है जो मास्क नहीं लगाए थे। जो लोग लापरवाही कर रहे थे उन्हें पहले हमने खुली मंडी में जेल में रखा, इसके बाद फल मंडी से लेकर सरस्वती विद्यालय तक पैदल चलवाई। इसके अलावा पकड़े गए लोगों के द्वारा मास्क कितना जरूरी है इसके पक्ष में भी नारे लगवाएं। आखिर में जो बिना मास्क के थे उन्हें पुलिस के द्वारा निःशुल्क मास्क भी दिया गया।